Now student, we will do the possessive pronoun. Mine, yours, hers, his, their, ये possessive pronoun है, ठीक है। अब हमें possessive adjective और possessive pronoun में difference देखना है, ठीक है। पहला subject है I मतलब मैं, I का क्या बनेगा, मेरा, ठीक है ना, और mine, तो I, mine, जो my है दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे my book, my table, और ये mine जो है ये एंड में आता है, ये मेरा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, दैट इज mine। we, ours, जिसके पीछे s लगा होता है वो हमारा होता है पोजेसिव प्रोनाउन, और जिसके पीछे जैसे my, our, your, his, her, its, their, इनके पीछे s नहीं लगा तो ये है एडजेक्टिव, ठीक है। और इनकी पहचान क्या है, एडजेक्टिव के एकदम बाद हमारा नाउन आता है, लेकिन हमारा पजेसिव प्रोनाउन के अंदर हमारा नाउन नहीं आता। इनके अंदर मेन डिफरेंस यही है। आप देखिए, दिस इज़ माय बुक, ये मेरी बुक है, ठीक है। इसमें क्या है, माय के बाद एकदम क्या आ गया, नाउन। नाउन मतलब कोई भी नाम, दैट इज़ बुक इज़ द बुक इज़ अ नाउन, किसी चीज़ का नाम है, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। और देन मैंने बोला दिस बुक इज़ माइन, माइन एंड में आ गया, मतलब ये किताब मेरी है, दोनों का सेंस सेम मतलब है, बट इसमें फ़र्क क्या है, अगर हमारा प्रोनाउन नाउन से पहले आता है तो वो एडवर्ब होता है, और अगर वो एंड में या फिर उसके बाद कोई प्रोनाउन नाउन नहीं आता तो इसका मतलब वो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि जो ये ज़रूरी नहीं है कि वो आगे पीछे भी कहीं आ सकता है, लेकिन उसके बाद हमारा नाउन नहीं आना चाहिए। जैसे दोज आर योर बैग, योर के बाद हमारा बैग आ गया, तो बैग क्या है, हमारा नाउन, ठीक है। दोज बैग्स आर योर्स, तो योर्स के बाद कोई नाउन नहीं है, इट मीन्स ये हमारा हो गया पजेसिव प्रोनाउन। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट वीडियो।